अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू पावर एक्सप्लोजन। आज की वीडियो में हम एक्सटेंशन बनाना सीखेंगे। ये एक्सटेंशन जो है हमारे पास एक लाइट होगी और दो स्विच और दो सॉकेट में मुश्तमिल होगा। इस बोर्ड में हम इस सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल करेंगे, इस सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल करेंगे, और ये लाइट जो है हमारे पास पीछे से अगर हम सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, पीछे सप्लाई ऑन रहेगी। तो ये हमें इग्निशन देगा कि ये पूरा बोर्ड हमारे पास सप्लाई में ऑन है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 5 होल वाला बोर्ड, दो सॉकेट, दो स्विच और एक इग्निशन लाइट। जो आप इजीली ये सारे सामान आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आप परचेज कर सकते हैं और आपको ये ऑनलाइन मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने अरेंजमेंट के मुताबिक इसे बोर्ड में सेट करना है। तो चलें सेट करते हैं। तो कंप्लीट अरेंजमेंट कर दिए मैंने, अब बारी आती है इसे कनेक्शन की। तो इसे कनेक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइट थी, ये हमारा स्विच था, ये सॉकेट था, ये स्विच था और ये सॉकेट था। हमें वायरिंग किस तरह करनी है कि ये स्विच जो इस सॉकेट को कंट्रोल करे, ये स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल करे, और ये जो लाइट हमने लगाई थी ये दरअसल जब हम पीछे से सप्लाई ऑन करें तो ये लाइट ऑन हो जाए, ताकि हमें पता चल सके कि भाई बोर्ड में सप्लाई आई है या नहीं आई। अगर ये लाइट नहीं जलती, इसका मतलब बोर्ड में सप्लाई नहीं आई है, पीछे से मसला है, इस बोर्ड के अंदर मसला नहीं है। तो ये काफ़ी बेस्ट रहता है हमें चेक करने के लिए कि यार ये लाइट आ रही नहीं आ रही। तो सबसे पहले से कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ जम्पर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और चलें स्टार्ट करते हैं कनेक्शन को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस स्विच को इस सॉकेट के साथ आपस में कनेक्ट करना है। तो एक मैंने रेड कलर का वायर लिया है और इसे आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर लिया, ये दरअसल फेस का वायर है। अब जो सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट है ना, इस पर हम लगाएंगे न्यूट्रल, दोनों पे न्यूट्रल कॉमन करेंगे और इन दो पॉइंट पे हम फेस कॉमन करेंगे। जब ये स्विच ऑन होगी तो इस वायर के ज़रिए थ्रू इस पर फेस जाएगी और हमारा जो भी यहाँ पर कॉम्पोनेंट लगा हुआ होगा, कोई भी हमारे पास सप्लाई लगी हुई होगी, तो वो ऑन हो जाएगी। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको इसके साथ आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है दोनों वायर, दोनों स्विच को सॉकेट से। अब बारी आती है फेस के लिए हम वायर को कनेक्ट करेंगे। इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया ताकि हम किसी एक पॉइंट पे फेस लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट में इजीली हमें फेस मिल जाएगा। अब ये लाइट को लगाने के लिए भी हमें फेस की ज़रूरत है, तो हम इस लाइट पर भी फेस के वायर को एक कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारी फेस की वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ कि ये पूरी लाइट जो है यहाँ पे फेस चलेगी। किसी एक पॉइंट भी हमने फेस लगाया तो इन तीनों में फेस आ जाएगा, उसके थ्रू आप बटन के थ्रू हमें सॉकेट में फेस दे सकते हैं। अब आ रही आती है हमारे न्यूट्रल को कनेक्ट करने की। न्यूट्रल के लिए मैंने एक वायर लिया है, अब न्यूट्रल को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। ये मैंने न्यूट्रल के वायर को कनेक्ट कर लिया है और एक और वायर इस लाइट के थ्रू इसमें लगा, जैसे कि हमने बटन के थ्रू इसमें दिया था। एक और जंपर वायर इस सॉकेट को और इस लाइट को देंगे, क्योंकि लाइट को जब न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तभी ये लाइट जलेगी। तो हम डायरेक्ट कॉमन करेंगे ताकि हमें स्विच से तो रखना नहीं है इस लाइट को। अब ये स्विच बोर्ड का काम कंप्लीट हुआ, अब सिर्फ इसमें सप्लाई देनी रह गई है। अब हम फेस और न्यूट्रल अगर इस पॉइंट पे देंगे, फेस यहाँ पे देंगे और न्यूट्रल यहाँ पे देंगे, तो हमारा पूरे में सप्लाई चली जाएगी। हमने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि इस पॉइंट में फेस चाहिए, ताकि हमने सबको शॉर्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे फेस देंगे सब में मौजूद है। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे इसमें और इसमें भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे न्यूट्रल और हमारे पूरे पॉइंट में न्यूट्रल चल जाएगा। अब सप्लाई देने के लिए मैंने एक वायर यूज़ किया है, ये जो है हमारे पास 40-76 का वायर है, ये नॉर्मल एक्सटेंशन के लिए इनफ होता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक्सटेंशन बनाना है जिसमें आपको कोई मोटर या फिर एसी वगैरह चलानी है, तो आप उसके लिए 70-76, 110-76 का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये भी वायर आराम से मोटर को सपोर्ट कर लेगा। अगर आपको कोई हैवी मोटर चलानी है या फिर लंबे टाइम के लिए मोटर चलानी है, तो आप 70-76 का वायर यूज़ करें, प्योर कॉपर में यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कनेक्ट करना। यहाँ पर कोई भी आप जिस तरह आपको सुराख करना चाहे सुराख कर लें,
यहाँ से वायर लाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे ओपन करें। और इसका जो ब्लैक वाला है वो न्यूट्रल के तौर पे यूज़ होगा, वो इस पे लगाएंगे आप। और ब्राउन वाला, किसी में ब्राउन होता है, किसी में रेड होता है, किसी में ब्लू होता है, तो आप एक वो फेस के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हमारी पूरी स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हुई, अब इसे क्लोज करते हैं। इसके ऊपर आपके पास 6 स्क्रू के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे हमने स्क्रू खोला था वैसे ही इसको स्क्रू को लगा देंगे। बोर्ड का काम हुआ कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे कि इसके दूसरे एंड पे, इसका दूसरा एंड है वहाँ पे हम लगाएंगे प्लग। प्लग किस तरह लगाते थे बोर्ड को साइड करते हैं। प्लग लगाने के लिए आप सबसे पहले इस प्लग को ओपन करें। प्लग को ओपन करने के बाद इसमें से एक नट स्क्रू और बोल निकलेगा, इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो रबर दिया हुआ है वो सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। अब इसे सबसे पहले प्लग लगाने से पहले आपको ये लगाना होता है, वरना अदरवाइज फिर आपको लगाना अगर भूल गए तो आपको दोबारा प्लग खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसमें दो वायर्स जो हैं वो इसके अंदर ईजिली आप लगा सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, उसमें कोई कैद नहीं है। और फिर इसके स्क्रू को टाइट कर लें। स्क्रू टाइट करने के बाद किसी एक के ऊपर आप इसके अरेंज करेंगे, रबर जो है आप वो लेके आएंगे, इस पर लगाएंगे और फिर इसे सेट करके लगा देंगे, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे पहले इस नट को लगाना है, एक तरफ से उंगली रखनी है और फिर इस नट स्क्रू को टाइट कर देना। क्या आपका प्लग बिल्कुल रेडी है, बोर्ड हमारा रेडी है। अब इस प्लग को मैं प्लग इन करता हूँ मेन बोर्ड पे और फिर चेक करता हूँ कि कैसे सप्लाई आ रही है। चले प्लग इन करते हैं और देखते हैं। मैंने जैसे प्लग इन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल गई हमारे पास। और अब पारी है इन दो स्विच को आपको टेस्ट करा के दिखाने की। तो स्विच को टेस्ट करने के लिए मैं एक लाइट ले रहा हूँ, यह होल्डर ही है लेकिन प्लग नुमा होल्डर है, ताकि आपको किसी भी बोर्ड को टेस्ट करने में इजीली रहता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं ऑन करके। यह लाइट का इस पर से कोई ताल्लुक नहीं, ये लाइट का मेन सप्लाई से ताल्लुक है। जब मेन सप्लाई ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, ताकि पता चलेगा ये बोर्ड ऑन हो गया। अब इस दूसरे वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं। VIP सब सही काम कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें पावर एक्सप्लोजन को, और हमारा Facebook चैनल भी पावर एक्सप्लोजन के नाम से, Instagram की लिंक भी आपको नज़र आ रही है तो इस पर भी जाके फॉलो करें, तो आपको रील्स और शॉर्ट्स की सूरत में आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।